सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। मेरा नाम लतेश नागर है और ये अपना स्कूल है, चंद्रा बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिगाँव। ये स्कूल पिछले 50 सालों से चल रहा है और बहुत ही मतलब जो लो कैटेगरी के आप सोचो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, ज़्यादातर मोस्टली हमारा जो काम है उन बच्चों को एजुकेशन देना है। मैडम, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं विचार देना चाहूँगी शिक्षा के स्तर को। देखो, हम लोग तो हमारा जो शिक्षा विभाग है, अपना जो टीचर्स हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास समय समय पर जो जिस तरह की ये नीतियाँ ऊपर से आती हैं, गवर्नमेंट से आती हैं, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा कि भाई हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, पहले हमारे 5th बोर्ड होता था, 8th बोर्ड होता था, तो उसमें हमारे बच्चे जो है नीचे से ही उठ के आते थे ऊपर, लेकिन अभी उसको ख़त्म कर दिया गया तो उससे भी काफ़ी हमारे उसमें गुणवत्ता में जो है काफ़ी गिरावट आई है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? उसमें सभी जिम्मेदार हैं, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, क्योंकि ना आजकल बच्चों को पेरेंट्स जो पुरानी चीज़ें उनसे हटाते जा रहे हैं और नई चीज़ें जो आजकल मोबाइल है और सारी चीज़ें उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि उन बच्चों को घर से थोड़ा सा सिखाया जाए, नैतिक बातें सिखाई जाए। स्कूल में भी मॉरल एजुकेशन पहले चलती थी, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, उससे भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? हाँ, करना चाहिए, ये 8th क्लास से तो कंपलसरी होनी चाहिए। आज मैडम प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है। हाँ, और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल की संचालक हैं, कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? देखो, ऐसा है कि हर चीज़ हमारे, हम तो जिस जगह पर बैठे हुए वहाँ पर हमारी फीसें तो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर फीस हम बच्चों से नहीं लेंगे तो फिर हम स्कूलों को कैसे चलाएंगे? हमें उनको मैनेज करने के लिए, बच्चों को ट्रांसपोर्ट के लिए, बिल्डिंग के लिए और सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट कहती रहती है भाई ये फैसिलिटीज़ दो, तो वो हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? बच्चों की फ़ीस से प्रोवाइड होगी, और इतनी फीसें ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है जितना कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हर 6 महीने मतलब साल में 2 साल में फीसें बढ़ती हैं, ऐसा ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है फीस का। मैडम, छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? हाँ, छात्रों को संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, सबसे पहले वो अपनी हेल्थ को ठीक करें, फिर उसके बाद वो अपनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। दूसरा, अपना जब भी वो एजुकेशन में आते हैं तो उनको अपने कैरियर के बारे में एक गाइडलाइन जरूर बना लेनी चाहिए कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, और वो उसी पर फिर काम करें।